सोलन पुलिस शराब माफिया पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है, जिसके चलते वो सोलन में अपने गुप्तचरों को सक्रिय कर चुकी है। ये गुप्तचर पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस कार्रवाई अमल में लाकर उपयुक्त कार्रवाई करती है। आज भी पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के समीप मीट की दुकान में शराब बेचने का काला कारोबार चल रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया और सूचना के आधार पर आरोपी की दुकान पर औचक निरीक्षण किया और आरोपी के दुकान से 22 अवैध शराब की बोतलें बरामद की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस संदर्भ में हिमाचल अबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मीट मार्केट की दुकान पर औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में पाया तो दुकान से अवैध शराब की 22 बोतलें बरामद की गई। इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ उनका अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। हमें सूचना मिली थी रात के समय कि ओल्ड डीसी ऑफिस के नीचे एक चिकन शॉप है जिसका मालिक मिस्टर सुनील कुमार है।